मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए 2022 में रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी द नॉर्थ मैन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हमें आज से 1100 साल पहले यानी 895 ईस्वी का सीन दिखाया जाता है। हम एक राज्य के राजा को देखते हैं जिसका नाम ऑरवेंडिल है। ऑरवेंडिल अभी अभी एक जंग जीत कर अपने राज्य में वापस लौटता है। जंग जीतने की खुशी में सारी प्रजा उसका स्वागत करती है। ऑरवेंडिल ने जिस राज्य पर हमला किया था वो जंग जीत कर उस राज्य का सारा सोना अपने राज्य में ले आता है और उस सोने से वो एक कड़ा निकालता है जिसे वो अपने बेटे को पहना देता है। राजा ऑरवेंडिल के बेटे का नाम एमलेथ है और उसकी बीवी का नाम गुडरन है। राजा ऑरवेंडिल का एक भाई भी है जिसका नाम फियोलनीर है। फियोलनीर हर एक जंग में राजा का साथ देता है। फियोलनीर एक योद्धा है लेकिन वो बहुत जालिम है। रात में राजा ऑरवेंडिल अपनी बीवी गुडरन से कहता है कि वो अपने बेटे एमलेथ को इस राज्य का राजा बनाना चाहता है, लेकिन गुडरन उसे बताती है कि तुम्हारा भाई फियोलनीर ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो खुद इस राज्य का राजा बनना चाहता है। अगर तुम्हें अपने बेटे एमलेथ को राजा बनाना है तुम्हें अपने भाई फियोलनीर को मारना होगा। अगली रात में ऑरवेंडिल अपने बेटे एमलेथ के साथ एक बहुत पुराने मंदिर में जाता है जहां पर ऑरवेंडिल अपने बेटे एमलेथ को राजा बनने के लिए ट्रेनिंग देता है। इस मंदिर के अंदर उन्हें एक पुजारी मिलता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो पुजारी ऑरवेंडिल से कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा राजा बनना चाहता है तो उसे साबित करना होगा कि वो राजा बनने के लायक है या नहीं। वो पुजारी एमलेथ से भेड़िये की तरह दहाड़ने के लिए कहता है लेकिन एमलेथ को उस तरह दहाड़ना नहीं आता, फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। वो पुजारी ऑरवेंडिल से कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी राजा नहीं बन सकता, वो बहुत नाजुक है, अभी उसे बहुत कुछ सहन करना है। वो पुजारी ऑरवेंडिल और एमलेथ के साथ एक रिचुअल करता है। इस रिचुअल के दौरान वो पुजारी एमलेथ को बहुत सारे विजन्स दिखाता है। इन विजन्स में एमलेथ बहुत सारी भयानक चीजें देखता है। रिचुअल खत्म होने के बाद वो अपने पिता के साथ मंदिर से बाहर आता है लेकिन तभी वहां पर कुछ सिपाही आते हैं। वो सिपाही राजा ऑरवेंडिल को मार देते हैं। ये देखकर एमलेथ पूरी तरह चौंक जाता है। वो वहां से भाग जाता है और राजा ऑरवेंडिल उन सिपाहियों से लड़ने लगता है लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो ऑरवेंडिल को मार देते हैं। एमलेथ देखता है कि उसके पिता ऑरवेंडिल को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका चाचा फियोलनीर है। ये देखकर एमलेथ जंगल में भाग जाता है लेकिन फियोलनीर का एक सिपाही उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था लेकिन एमलेथ उसे जख्मी करके वहां से भाग जाता है। वो अपने गाँव में वापस आता है तभी वो देखता है कि फियोलनीर ने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया है। और साथ ही फियोलनीर ने उसकी माँ को बंदी बना लिया है। जिस सिपाही ने एमलेथ को पकड़ा था वो फियोलनीर के पास आता है और फियोलनीर से कहता है कि मैंने एमलेथ को समंदर में डुबाकर मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमलेथ एक छोटी बोट में बैठकर समंदर के रास्ते इस जगह से भाग जाता है और बोट में बैठने के बाद वो प्रतिज्ञा लेता है कि वो फियोलनीर से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा और साथ ही अपनी माँ को भी उसकी कैद से आजाद करवाएगा। अब काफी साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एमलेथ अब बड़ा हो चुका है। वो एक कबीले के साथ रहता है। वो इस कबीले में रहकर एक योद्धा बन चुका है। इस कबीले के लोग छोटे छोटे कबीलों पर हमला करके उनसे सामान लूटकर गुजारा करते हैं। एक दिन एमलेथ इस कबीले के लोगों के साथ एक छोटे कबीले पर हमला करता है। वो वहां से सारा सामान लूट लेते हैं। एमलेथ इस कबीले के मंदिर में जाता है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। ये औरत सबका भविष्य बताती है। जैसे ही एमलेथ उसके पास जाता है वो औरत उसे बताती है कि फियोलनीर के बेटे ने मेरी दोनों आंखें निकाल ली लेकिन फिर भी मैं पूरी दुनिया को देख सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम एक राजकुमार हो और तुम फियोलनीर से बदला लेना चाहते हो। तुम सही वक्त की तलाश में हो लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। अब तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना होगा। ये औरत एमलेथ को बताती है कि इस कबीले से फियोलनीर के कबीले में कुछ गुलाम जाने वाले हैं। तुम उन गुलामों के साथ वहां जा सकते हो। इसके बाद एमलेथ अपने जिस्म पर एक निशान बनाता है जो गुलामों के जिस्म पर बनाया जाता है और अगले दिन गुलामों की नाव में बैठकर फियोलनीर के कबीले की तरफ निकल जाता है। इस नाव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम ओल्गा है
ओल्गा एक जादूगरनी है। कुछ देर के बाद एमलेथ बाकी गुलामों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फियोलनिर अपनी फैमिली के साथ रहता है। दरअसल फियोलनिर ने जिस राज्य को ऑरविंडेल को मारकर छीन लिया था, उस राज्य को अब किसी और राजा ने फियोलनिर से छीन लिया था, इसीलिए फियोलनिर अब इस आइलैंड पर अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। लेकिन यहाँ पर भी उसने सभी लोगों को गुलाम बना लिया था। वो उनसे खेती करवाता था और खुद उन लोगों का राजा बन चुका था। ये सभी बातें एमलेथ को उसी औरत ने बताई थी जो उसे उस कबीले के मंदिर में मिली थी। एमलेथ ये सभी बातें अब ओल्गा को बता देता है। अब ये सब कहानी सुनने के बाद ओल्गा एमलेथ से कहती है कि फियोलनिर से बदला लेने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। कुछ देर बाद इन लोगों को फियोलनिर के पास ले जाया जाता है। फियोलनिर एमलेथ की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ऐसे ही हट्टे कट्टे गुलामों की जरूरत है जिनसे मैं कोई भी काम करवा सकता हूँ। एमलेथ के दिल में बदले की आग भड़क जाती है लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेता है। फियोलनिर एमलेथ से बहुत मेहनत करवाता है। उसे पता नहीं था कि एमलेथ कौन है। एमलेथ को वहाँ पर पता चलता है कि फियोलनिर ने उसकी माँ के साथ शादी की है और उनका एक बेटा भी है। रात में एमलेथ अपने कमरे से निकलकर इस जगह पर एक मंदिर में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। ये आदमी एक पुजारी है। वो एमलेथ को देखते ही उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम क्या करने यहाँ आए हो। एमलेथ उससे कहता है कि हाँ, मैं राजा का बेटा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता की मौत का बदला किस तरह लूंगा। तभी वो पुजारी एमलेथ से कहता है कि फियोलनिर को मारने के लिए तुम्हें एक तलवार की जरूरत है। वो तलवार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके हाथ में वो तलवार होती है वो दुनिया में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। ये तलवार तुम्हें एक गुफा के अंदर मिलेगी लेकिन उस गुफा के अंदर तुम्हें संभल कर जाना होगा क्योंकि वो एक जादुई गुफा है। इसके बाद एमलेथ उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। उस गुफा के अंदर एमलेथ को एक पुराने राजा की लाश दिखती है। इस राजा के हाथ में वही तलवार होती है जिसके लिए एमलेथ यहाँ आया है। वो उस राजा के हाथ से वो तलवार छीन लेता है और गुफा से बाहर आने के बाद एमलेथ उस तलवार को छुपा देता है। अगले दिन एमलेथ ओल्गा को बताता है कि उसने उस तलवार को हासिल कर लिया है जिससे वो फियोलनिर को मार सकता है। वो उसे ये भी बताता है कि मैंने अपनी माँ को भी देखा लेकिन उसने फियोलनिर के साथ शादी कर ली है। एमलेथ और ओल्गा रात साथ में ही बिताते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में एमलेथ फियोलनिर के कुछ आदमियों को भी मार देता है। सुबह होते ही ये बात फियोलनिर के बेटे को पता चल जाती है। इसका नाम थॉर है। थॉर अपने आदमियों की लाश देखकर बौखला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये गुलामों में ही किसी ने किया है, इसलिए वो गुलामों को एक एक करके मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो भविष्य को देख सकती है। वो औरत इन्हें बताती है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, इन लोगों को एक बहुत बुरी आत्मा ने मारा है। उस आत्मा को रोकने के लिए हमें किसी की बलि देनी होगी। फियोलनिर बलि देने के लिए एक गुलाम को चुनता है। वो उसे बांध देता है। फियोलनिर उस गुलाम को आत्मा के लिए वहीं पर छोड़ देता है और कुछ देर के लिए वापस चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उस गुलाम की लाश नहीं बल्कि उसके अपने आदमी की लाश है। अब ये सब कुछ होने के बाद फियोलनिर अपने सभी गुलामों से कहता है कि आज से तुम रात में यहाँ पर पहरा लगाओगे। वो उन सभी को हथियार दे देता है लेकिन रात में वहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है। फियोलनिर के आदमी खुद ही अपने आप को मारने लगते हैं। दरअसल ये सब कुछ उस तलवार के गुफा से बाहर निकलने की वजह से हो रहा था। रात में एमलेथ अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हारा और अपने पिता का बदला लेने के लिए आया हूँ। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा बाप मुझे सिर्फ अपनी रखेल समझता था, इसलिए मैंने फियोलनिर के साथ मिलकर तुम्हारे बाप को मरवा दिया और मैंने खुद फियोलनिर के साथ शादी कर ली और मैं उस जगह की रानी बन गई। एमलेथ ये सब सच्चाई सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि अगर तुम फियोलनिर को मार दोगे तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो और इस राज्य के राजा बन सकते हो। ये सुनने के बाद एमलेथ वहाँ से निकल जाता है लेकिन वो फियोलनिर के बेटे थॉर को मार देता है। वो ओल्गा के पास आकर उसे बताता है कि मेरी माँ मेरे पिता को मारने के षड्यंत्र में मिली हुई थी, अब मैं अपनी ही माँ को किस तरह मार सकता हूँ। सुबह जब फियोलनिर को अपने बेटे की लाश मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है।
तभी उसके पास एमलेथ की माँ गुडरन आती है। वो उसे बताती है कि ऑरवेंडल का बेटा वापस आ गया है, वो हम सभी को मारना चाहता है और ये लड़की भी उसके साथ मिली हुई है। फियोलनिर जल्दी से ओल्गा को पकड़ लेता है, वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी एमलेथ उसे आवाज लगाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अपने बाप की मौत का बदला लेने आया हूँ। तभी फियोलनिर के आदमी उस पर हमला करते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो एमलेथ को पकड़ लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए ओल्गा वहां से भाग जाती है। फियोलनिर अब एमलेथ को अपना बंदी बना लेता है। उसके आदमी एमलेथ को बहुत टॉर्चर करते हैं। फियोलनिर एमलेथ से कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, पहले मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूंगा। वो एमलेथ को एक जगह पर बांध कर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद वहां पर बहुत सारे कौवे आते हैं जो एमलेथ की रस्सी को काट देते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। इन कौवों को दरअसल ऑरवेंडल की आत्मा ने भेजा था। कुछ देर बाद जब फियोलनिर वापस आता है तो वो देखता है कि एमलेथ वहां से भाग चुका है। वो एमलेथ को हर तरफ ढूंढता है लेकिन उसे एमलेथ कहीं नहीं मिलता। तब तक एमलेथ ओल्गा के पास पहुंच चुका था। ये दोनों उस जगह से बहुत दूर आ गए थे। अपनी माँ के षड्यंत्र के बारे में पता चलने के बाद एमलेथ पूरी तरह से टूट चुका था। ओल्गा उससे कहती है कि हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। इसके बाद ये दोनों एक नाव में आ जाते हैं और उस जगह से जाने लगते हैं। लेकिन तभी नाव में ओल्गा एमलेथ को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर एमलेथ बहुत खुश हो जाता है। तभी वो ओल्गा से कहता है कि मुझे किसी भी हाल में फियोलनिर को मारना होगा, अगर वो जिंदा रहा तो वो कल मेरे बच्चों के लिए खतरा बन सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एमलेथ ओल्गा को उसके रिश्तेदारों के पास भेज देता है और खुद पानी में तैर कर फिर से उसी जगह पर वापस आ जाता है। एमलेथ उस तलवार की मदद से फियोलनिर के सभी आदमियों को मार देता है। जब वो फियोलनिर को मारने जाता है तो उसकी अपनी माँ उस पर अटैक करती है। एमलेथ उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन लड़ते लड़ते गलती से वो तलवार एमलेथ की माँ के आर पार हो जाती है, वो मर जाती है। और इसके बाद एमलेथ उसके छोटे बेटे को भी मार देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर फियोलनिर आता है। फियोलनिर वहाँ पर अपने बेटे और अपनी बीवी की लाश देखता है। वो एमलेथ से कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नरक के दरवाजे पर मिलूंगा, हमारा फैसला वहीं पर होगा। एमलेथ फियोलनिर के सारे गुलामों को आजाद कर देता है और कुछ देर बाद ज्वालामुखी के पास चला जाता है, जिसे फियोलनिर नरक का दरवाजा कहता है। यहाँ पर हम एमलेथ और फियोलनिर के बीच एक बहुत घमासान लड़ाई देखते हैं। दोनों बहुत ताकतवर होते हैं, दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एमलेथ उस तलवार की मदद से फियोलनिर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। फियोलनिर भी अपनी तलवार एमलेथ के सीने में घुसा देता है। दोनों एक ही समय पर नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद एमलेथ को विजन आते हैं। वो देखता है कि ओल्गा ने दो बच्चों को जन्म दिया है। इस विजन को देखने के बाद उसे संतुष्टि मिलती है और वो मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। Thanks for watching.